नमस्कार, आप देख रहे हैं अपने उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ संदीप तिवारी। कांग्रेस द्वारा निकाली गई प्रतिष्ठा यात्रा पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं, क्योंकि बीते दिनों जब ये यात्रा निकाली गई थी तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने ये दावा किया था कि ये यात्रा कोई राजनीतिक यात्रा नहीं है। लेकिन कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता ने उपचुनाव की तैयारियों के संबंध में बताते हुए ये साफ कर दिया कि ये यात्रा कहीं ना कहीं राजनीतिक उद्देश्य के लिए निकाली गई थी। उन्होंने बताया कि उन्होंने इस यात्रा में शामिल हुए लोगों से ये अंदाजा लगा लिया था कि जनता उनके साथ है। वहीं बीजेपी ने भी अब कांग्रेस को आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया है। ये हम शुरू से ही ये बता रहे थे कि ये यात्रा राजनीतिक लाभ लेने के लिए निकाली जा रही है। बीजेपी ने कहा है कि इस बार जनता कांग्रेस को इस दोहरे चरित्र का सबक जरूर सिखाएगी। बहुत लंबे समय से हमें इस घड़ी का इंतज़ार था। केदारनाथ उपचुनाव की तिथियों की घोषणा हो चुकी है और हमारी तैयारी तो आज नहीं, कई महीनों से चल रही है। आपने देखा कि किस तरह की वृहद प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा केदारनाथ के संबंध में माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में निकाली गई और अभूतपूर्व स्नेह और आशीर्वाद हमें स्थानीय जनता का उसमें प्राप्त हुआ। हमने वहाँ का माहौल देखा, माहौल कांग्रेस के अनुकूल था और अभी भी है। और अब जो ऑब्जर्वर हमारे पार्टी के द्वारा नियुक्त किए गए हैं, बहुत ही अनुभवी चेहरे हैं, ऊर्जावान और युवा चेहरे हैं। माननीय भुवन कापड़ी जी और वीरेन जाति जी लाभान्वित होगी। उत्तराखंड कांग्रेस भी और केदारनाथ उपचुनाव में भी कांग्रेस को बहुत फ़ायदा इसका मिलने वाला है। और हमारे वो मुद्दे भी चिन्हित हो चुके हैं जिनको लेकर हम चुनाव में उतरेंगे। हमारी स्ट्रेटजी भी तैयार हो चुकी है, हमारी कई दौर की व्यक्तिगत मीटिंग प्रभारी जी के साथ हो चुकी है और जूम मीटिंग भी केदारनाथ उपचुनाव के मद्देनजर हो चुकी है। आज भारतीय जनता पार्टी का हश्र ये हो गया है बद्रीनाथ और मंगलौर हारने के बाद कि उसे अपने 5-5 काबीना मंत्री वहां पर ड्यूटी पर लगाने पड़ रहे हैं। सरकारी खर्च पर ये मंत्री लगातार जो है केदारनाथ जा रहे हैं, लेकिन जनता से इनका जनता का मोह भंग हो चुका है इन मंत्रियों से, क्योंकि इन लोगों की कथनी और करनी का फर्क वो साफ समझ चुके हैं। जिस तरह से हिंदू सनातन धर्म को भी चोट पहुंचाई गई है, केदारनाथ धाम को 228 किलो सोना चोरी हो, QR कोड मामला हो, या लाइट एंड साउंड प्रोग्राम हो, या फिर गर्भगृह से फोटो वीडियो वायरल हो, या फिर दिल्ली बोराड़ी वाला प्रकरण हो, इन सारे प्रकरणों के मद्देनजर मुझे लगता है कि केदारनाथ की जनता माफ नहीं करेगी भारतीय जनता पार्टी को। और उनकी चुनी हुई दिवंगत विधायक की जिस तरह से अनदेखी और अपमान इन्होंने किया, उसके अंतिम संस्कार के दिन मुख्यमंत्री जी नदारद रहे और दूसरे केदारनाथ धाम का शिलान्यास करते हुए दिखे, उस अपमान का बदला भी अब इस चुनाव में केदारनाथ की जनता ने लेना है। बेरोजगारी और महंगाई तो अपनी जगह पर है ही है। हमने शुरू से ही कहा था कि कांग्रेस की केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा केवल और केवल राजनीतिक लाभ के लिए है और राजनीतिक लाभ भी उनको नहीं मिल पाया। पूरी तरह से उनकी यात्रा फ्लॉप रही थी। आपस में कितनी उनकी जो है उस यात्रा के दौरान मारपीट हुई, गाली गलौज हुई, गुटबाजी हुई, कितने वीडियो उनके जो है स्विमिंग पूल में ऐशो आराम करते हुए वायरल हुए, ये सब उत्तराखंड की जनता ने देखा। और हमारी उस बात पर अब कांग्रेस की प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने स्वयं मोहर लगा दी है। गरिमा जी स्वयं कह रही हैं कि हमें निश्चित रूप से अब केदारनाथ उपचुनाव की जब घोषणा हो चुकी है, जो यात्रा हमने निकाली थी उसका राजनीतिक लाभ मिलेगा। तो जो हम कह रहे थे वो सत्य कह रहे थे। मैं गरिमा जी का बयान सुन रहा था, एक तरफ तो उन्होंने इस सत्य को स्वीकार किया कि कांग्रेस उस यात्रा को केवल और केवल राजनीतिक लाभ के लिए निकाल रही थी, दूसरी तरफ वो झूठ का पुलिंदा भी बांध रही थी। केदारनाथ की जनता का मोह भंग हो चुका है। आप जाइए जरा केदारनाथ, मैं तो अभी 10-15 दिन केदारनाथ रह के आया हूँ, आज फिर केदारनाथ में आया हूँ। केदारनाथ की जनता कांग्रेस को उनके दोहरे चरित्र को लेकर इस बार ऐसा सबक सिखाएगी कि दोबारे वो सनातन का अपमान नहीं कर पाएंगे। और मंदिरों को लेकर जिस प्रकार राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास कांग्रेस करती है, वो लाभ पूरे भारत में कांग्रेस नहीं ले पाएगी। एक तरफ उनके युवराज कहते हैं कि मूर्तियों में कोई ताकत नहीं होती, बीजेपी के ओबीसी के जो सांसद हैं मंदिर में मूर्तियों की तरह हैं, बिना ताकत के हैं, शक्तिहीन है। एक तरफ वो सनातन को गाली देने का काम राजकुमार उनके करते हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस जो है यहां पर केदारनाथ प्रतिष्ठा यात्रा निकालने का ड्रामा करती है। केदारनाथ बाबा पर भी राजनीति करने का काम कांग्रेस ने किया, इससे गिरी हुई बात जो और कुछ नहीं हो सकती। कांग्रेस का स्तर इतना गिर चुका है कि अब वो बाबा के सहारा लेकर जो है यात्रा निकाली, बाबा के नाम पर झूठ बोलने का काम कांग्रेस कर रही है। केदार बाबा का श्राप उनको लग चुका है और उत्तराखंड में उनका हाल आप देखिए लगातार क्या हो रहा है।
हरियाणा का चुनाव जहां पे कांग्रेस को बड़ी उम्मीद थी वहां पर भी वो मुंह की खाकर बैठे हैं। केदारनाथ उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी भारी अंतर के साथ जीतने जा रही है और केदारनाथ की जनता कांग्रेस को उसकी सनातन विरोधी नीतियों के कारण, सनातन विरोधी जो बार बार बयान वो देते हैं और सनातन विरोधी हमेशा रहते हैं, सनातन विरोधी काम करते हैं, उसके लिए सबक सिखाएगी। और 23 नवंबर दूर नहीं है, जब रिजल्ट आएगा तो केदारनाथ चुनाव हम भारी बहुमत के साथ जीतने जा रहे हैं। इस बात को कांग्रेस और कांग्रेस के प्रवक्ता अच्छे से गांठ बांध। उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों से पहाड़ी क्षेत्रों तक तेंदुए का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट के तल्ला सल्ट क्षेत्र ग्राम बोर्ड सहित आसपास के क्षेत्रों में तेंदुए बाघ का आतंक बना हुआ है। क्षेत्र के वन पंचायत सरपंच सहित अन्य ग्रामीणों ने तेंदुए के आतंक से निजात दिलाने के लिए वन क्षेत्राधिकारी मोहान को ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों का कहना है कि बीते दिनों तेंदुआ कई मवेशियों पर हमला कर चुका है, तेंदुए दिन दहाड़े दिखाई दे रहे हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि मवेशियों के चारा लकड़ी मुश्किल हो रही है। वहीं वन क्षेत्राधिकारी मोहान गंगासरन ने कहा कि एक ज्ञापन दिया है, वन बीट अधिकारी अनुभाग अधिकारी को निर्देश दिया है कि टीम का गठन कर क्षेत्र में गश्त किया जाए। ये गौरतल्ला के जो सरपंच हैं और वहाँ के ग्रामीण थे, उन्होंने तेंदुए की समस्या है वहाँ पे वो काफ़ी दिखने में आ रहा है, तो उसके लिए उन्होंने एक ज्ञापन दिया है। उसके संबंध में हमने बीट अधिकारी और विभाग अधिकारी को निर्देशित किया गया है, टीम बना के क्षेत्र में लगातार निगरानी और गश्त करते रहेंगे और जैसे भी निगरानी और गश्त से जो भी उन्हें सूचना प्राप्त होती है उसके अनुसार आगे के लिए हिंजा लगाना या जो भी कार्रवाई करनी है उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। लगभग एक साल से बाघ का बहुत आतंक मचा हुआ है और कई बार ग्रामीणों पर भी हमला हो चुका है, कई जानवरों को उसने अपना शिकार बना दिया है, लोगों को घास काटने जाना पड़ता है जंगलों में, तो अब अकेले घास काटने में भी डर हो रही है, जो जिनके पास बकरियां हैं वो बकरियां नहीं चरा पा रहे, तो हमने इस संबंध में ज्ञापन दिया है कि इस समस्या से जल्दी निजात दिया जाए और लोगों की दहशत को। सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा में आपको बता दें कि लिटरेचर फेस्टिवल की शुरुआत हो गई है। मल्ला महल में आयोजित हो रहे लिटरेचर फेस्टिवल का शुभारंभ केंद्रीय सड़क एवं राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने किया। 3 दिनों तक चलने वाले लिट फेस्ट में 30 से अधिक सत्र होंगे और उत्तराखंड के साथ साथ देश भर के प्रख्यात लेखक, पर्यावरणविद और इतिहासकार इसमें शामिल होंगे। साथ ही रचनात्मक लेखन कला एवं संरक्षण, लोक कला और फोटोग्राफी की कार्यशालाओं का भी आयोजन किया जाएगा। जिस प्रकार से पूरे कुमाऊं के अंदर अल्मोड़ा का इतिहास रहा है और ये इतिहास कुमाऊं की राजधानी के रूप में और ये जिस स्थान में ये हो रहा है ये एक ऐतिहासिक स्थान है। कभी इस मल्ला महल से पूरे अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत, ये सारा कुमाऊं का जो क्षेत्र है उसमें नैनीताल, उधम सिंह नगर, उन सब व्यवस्थाओं को चलाने के लिए इस मल्ला महल में जो व्यवस्थाएं रहती थी उन व्यवस्थाओं के अनुसार संचालित होता था और इसी को आधार मानते हुए अल्मोड़ा लिटरेचर फेस्टिवल 2024 का जो आयोजन किया जा रहा है, ये अल्मोड़ा के उस सांस्कृतिक, उस ऐतिहासिक, उस जो धरोहर हम सबके बीच में है उसको सजोने का ये काम है, अपने आप में ये अभिनव प्रयास है। इस अभिनव प्रयास के माध्यम से पूरे देश के अंदर जो अल्मोड़ा का इतिहास। कांग्रेस की मुख्य प्रदेश प्रवक्ता गरिमा महाराजसोनी ने कहा कि भाजपा के एक नेता जो आजकल केदारनाथ उपचुनाव को लेकर काफी सक्रिय दिखाई दे रहे हैं, उनकी मंशा साफ नजर आ रही है कि वो उपचुनाव में पार्टी को अपनी दावेदारी पेश करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी चाहे किसी को भी टिकट दे, जिस तरीके से भाजपा का फर्जी हिंदुत्व का चेहरा बद्रीनाथ और अयोध्या में जनता के सामने आया है और जनता ने उन्हें नकारा है, वैसे ही केदारनाथ उपचुनाव में भी केदारनाथ की जनता उनको आईना दिखाने का काम करेगी। चुनाव को लेकर भाजपा में जो टिकट को लेकर है वो काफी समर्थन देखने को मिल रहा है, तो किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती नहीं। जो जो टिकट के दावेदार आपको दिख रहे हैं, आप देखिएगा
कि एक और ही व्यक्ति तैयारी कर रहा है वहां से, जो अचानक से केदारनाथ के लिए बड़ा शुभचिंतक हो गए हैं, बड़ा सेंसिटिव हो गए हैं और केदारनाथ को लेकर बहुत सारे बयान उनके सामने आ रहे हैं। ऐसे में मुझे लगता है ये भाजपा का अंदरूनी मैटर है, वो किसको टिकट देती है, लेकिन वो किसी को भी जमीन पर उतार रहे हैं। जिस तरह से बद्रीनाथ में पटखनी दी कांग्रेस पार्टी ने और अयोध्या में जिस तरह से मुंह की खाई है भाजपा ने, इनका फर्जी और छद्म हिंदुत्व जो सामने आया है और ये बेनकाब हो गए हैं। जिस हिंदू सनातन धर्म की आड़ लेकर ये चुनाव लड़ते हैं, राजनीति करते हैं, तो बद्रीनाथ की जनता ने इनको दिखा दिया है आईना और उधर अयोध्या की जनता ने इनको आईना दिखाया। अब वैसे ही केदारनाथ की जनता भी करने वाली है, हैट्रिक इस बार कांग्रेस पार्टी लगाएगी। हमें आशीर्वाद मिला बद्रीनाथ से भी, मंगलौर से भी, हम धन्यवाद करते हैं अपनी देवतुल्य जनता का। और माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में आपने देखा कि एक बृहद केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा निकाली गई, उसमें ही हम समझ गए थे कि स्थितियां, परिस्थितियां और वातावरण हमारे अनुकूल है। इन्होंने जो केदारनाथ धाम का बार बार अपमान किया है उसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। आपदा के समय पर जिस तरह से इनके किसी मंत्री विधायक को छोड़िए छुड़वाइए नेता ने तक वहां ठौर नहीं ली, वहां सुध नहीं ली, लोगों के घर मकान बह गए, खेत खलिहान बह गए, मवेशी बह गए, कोई नहीं गया सुध लेने के लिए। जोशीमठ में देखिए ना कौन सा मंत्री जा रहा है, आज भूदशा जोशीमठ में हो रहा है और इतने बड़े जो है गुब्बारे मिट्टी के दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन कोई नहीं सुध लेता चुनाव निपटने के बाद। आज इनको घोषणाएं करनी है, 40-40 घोषणाएं मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, 5-5 सरकारी खर्च पर इनके मंत्री वहां आवागमन कर रहे हैं, तो आज सबको केदारनाथ की चिंता सता रही है। ऐसे में साफ दिखाई पड़ रहा है भाजपा कांप रही है, भाजपा को डर है कि जिस तरह से दो उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी उसके सामने से थाली सरका कर ले गई, अब केदारनाथ की जनता इस बात का बदला लेगी कि जिस दिन उसकी चुनी हुई विधायक की अंतिम संस्कार हो रहा था अगस्त मुनि में, उस दिन उसको एक सम्मानजनक विदाई तक नहीं देख पाए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, और जिस वक्त अंतिम संस्कार चल रहा था उसी समय वो दिल्ली के बौराड़ी में एक और केदारनाथ धाम का प्रतीकात्मक मंदिर का शिलान्यास रहे थे। तो जनता सब चीज का हिसाब रखेगी, सोना चोरी से लेकर गर्भगृह से लेकर क्यूआर कोड से लेकर देवस्थानम बोर्ड तक सब चीज का हिसाब जनता के पास है, और जनता तो देवतुल्य है, वो आशीर्वाद जरूर कांग्रेस पार्टी को देगी, परचम कांग्रेस पार्टी का लहराएगा, हैट्रिक भी कांग्रेस पार्टी लगाएगी, इसी बात का डर तो डर है भाजपा को जो इतना कड़ा मन। उत्तराखंड बेरोजगार संघ लंबे समय से प्रदेश में भर्ती प्रक्रिया और तमाम विभागों में हो रहे घोटालों के विरुद्ध आवाज उठा रहा है। वहीं बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार का कहना है कि उत्तराखंड में भ्रष्टाचार व्यापक रूप से फैला हुआ है और भ्रष्टाचारियों को सरकार का समर्थन भी है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार भ्रष्टाचार पर कार्रवाई के नाम पर केवल 5 से 10 हजार लेने वाले छोटे अधिकारियों के ही खिलाफ कार्रवाई हो रही है, जबकि बड़े अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि UPCL के प्रबंधक महानिदेशक अनिल कुमार यादव पर भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोप लगे हुए हैं, उनकी संपत्ति में दिनों दिन बढ़ोतरी हो रही है। उन्होंने बताया कि मुख्य अभियंता पिटकुल रहते हुए भी अनिल कुमार यादव ने कई भ्रष्टाचार किए हैं और वह आरोप सिद्ध भी हुए हैं, इसके बावजूद भी विभाग ने जांच करते हुए उन्हें पदोन्नत किया है। उन्होंने इसका भी जिक्र किया कि उन्होंने कहा कि जिसकी पत्नी गृहिणी हो, पुत्री और पुत्र नाबालिग हो, उनके नाम हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति कैसे आई। सरकार को ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए आज की जो प्रेस वार्ता थी वो UPCL के जो MD है अनिल कुमार यादव, ये उनके ऊपर थी। उनके ऊपर का मतलब है कि उनके द्वारा जो भ्रष्टाचार पूर्व में किया गया है, जब मुख्य अभियंता पिटकुल रहे थे तब उनके द्वारा जो भ्रष्टाचार किया गया था और जांच कमेटी के द्वारा सिद्ध किया गया था कि ये भ्रष्टाचार हुआ है और ये भ्रष्टाचार अपने स्तर पर भी और अपने बेटे के नाम फर्म बनाकर या अपने बेटे के अकाउंट में दूसरे फर्मों से पैसा डलवाकर या तमाम प्रकार के जो आरोप उन पर लगे थे वो आरोप सिद्ध हुए थे। और उन आरोपों की पुष्टि होने के बाद जब जांच समिति ने ये लिख दिया था कि विभाग विजिलेंस से इनकी जांच करवाएं या उच्च स्तरीय कमेटी गठित करें, परंतु विभाग ने ना तो उन पर जाँच करवाई और जाँच ना करवाने के बाद उनको आगे पदोन्नत करते गए और उन्हें आगे भेजते गए। आज स्थिति यह है कि अगर ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी जिन अधिकारियों ने अखंड भ्रष्टाचार विभागों में किया है और उसके बाद जब चीजें निकल कर आई तो उनके नाम पर देखी जा रही है कि उनके नाम और उनके परिवार के नाम
100 से 150 करोड़ 200 करोड़ के बीच संपत्ति का जो ब्यौरा हम लोग दे रहे हैं कि इतनी संपत्ति अर्जित की गई है, तो वो पैसा कहाँ से आ रहा है? जिसकी पत्नी हाउसवाइफ हो, जिसकी पुत्री नाबालिग उस समय हो, पुत्र नाबालिग हो, उनके द्वारा इस प्रकार की संपत्ति अर्जित किया जाना कहीं ना कहीं संदेहपद है। अब हम चाहते हैं कि ये विभाग उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का है और उनके विभाग में इस प्रकार के अधिकारी कार्यरत हैं जिनके द्वारा भ्रष्टाचार का जो स्तर है वो काफ़ी बढ़ा कर दिया गया है। और मैं चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी इसका संज्ञान ले और हमारी विजिलेंस इसका संज्ञान ले। विजिलेंस के लिए हमारे पास पुख्ता तरीके से संपूर्ण दस्तावेज हैं। अगर विजिलेंस चाहें तो हमसे संपर्क करके इन लोगों के दस्तावेज ले सकती है। खबरें और भी हैं, छोटा सा ब्रेक। पूरे देश में वाल्मीकि जयंती, महर्षि वाल्मीकि का जन्मोत्सव मनाया जाता है। महर्षि वाल्मीकि रामायण के रचयिता और आदिकवि के रूप में जाने जाते हैं। उनका जन्म आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को हुआ था। इस दिन को वाल्मीकि, आपको बता दें कि प्रकट दिवस के रूप में भी जाना जाता है और यह हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। महर्षि वाल्मीकि को उनके महाकाव्य रामायण के लिए याद किया जाता है जो भगवान राम के जीवन और उनकी यात्रा का वर्णन करता है। वाल्मीकि जयंती पर लोग वाल्मीकि मंदिरों में पूजा अर्चना करते हैं और रामायण के पाठ भी करते हैं। यह दिन आध्यात्मिक ज्ञान और संस्कृति के रूप में समर्पित होता है और लोग महर्षि वाल्मीकि के जीवन और उनके कार्यों से प्रेरणा लेते हैं। उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में भगवान वाल्मीकि की जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए प्रदेश कार्यालय में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा उनके चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित किए गए। वहीं प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने कहा कि भगवान वाल्मीकि से प्रार्थना कर उन्होंने प्रदेश और देश की जनता की खुशहाली को समृद्धि की कामना की है। देखिए, भगवान वाल्मीकि जी की आज जयंती कांग्रेस मुख्यालय में बड़े धूमधाम के साथ मनाई गई है, तो हमने भगवान से प्रार्थना कर ली है कि पूरे समाज के उत्थान के लिए प्रदेश में, पूरे देश में सुख शांति बनी रहे, तो हमने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करे हैं। और मैं पूरे प्रदेशवासियों को और देशवासियों को भगवान वाल्मीकि जी की जयंती पर बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। उत्तराखंड में लंबे समय से सशक्त भू कानून की मांग चल रही है, जिस पर अब सरकार गंभीर नजर आ रही है। हाल ही में नैनीताल जिले में उत्तर प्रदेश के विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की पत्नी के नाम पर पंजीकृत आधे हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि जब्त कर ली गई है, क्योंकि जिस उद्देश्य से यह जमीन ली गई थी उसके लिए जमीन का उपयोग नहीं किया जा रहा था। सरकार द्वारा उठाए गए इस कदम पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि देर कर दी हजूर आते आते, तुम्हारा ही पाप था। 2018 में जो महापाप आपकी सरकार ने किया था उसको धोने में 4-5 साल लग गए। जल्दी उस पाप को धोकर अच्छा भू कानून लाओ जो कि व्यापक होना चाहिए, जिसमें भू सुधार, भू उपयोग जैसे कई पहलू हो सकते हैं। यदि आ रहे हैं तो मैं कहूंगा देर कर दी हजूर आते आते, और ये तो तुम्हारा ही पाप था। 2018 में जो महापाप तुम्हारी सरकार ने किया था उसको धोने में आपको 4-5 साल लग गए, और अब अभी जितना विलम्ब करोगे उतना वो पाप आपके सर पर भी चढ़ता जाएगा। इसलिए जल्दी धो उस पाप को, जल्दी एक अच्छा भू कानून लाओ, और वो भू कानून व्यापक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि केवल जमीनों की खरीद से ही संबंध है, उसका संबंध भू सुधार से और दूसरी चीज़ों से भी, भू उपयोग से, उसके अलग अलग जो पहलू हैं सबके लिए। उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा सीट पर होने जा रहे उपचुनाव का शंखनाद हो चुका है। 20 नवंबर को केदारनाथ उपचुनाव के लिए मतदान होना है, जिसको लेकर बीजेपी ने तैयारियां तेज कर दी हैं। भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान का कहना है कि उत्तराखंड की जनता ने हमेशा से भाजपा को अपना अपार समर्थन दिया है और केदार घाटी का संपूर्ण विकास डबल इंजन की सरकार द्वारा किया गया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के द्वारा केदारनाथ का पुनर्निर्माण कर विश्वभर में नई पहचान दिलाई गई है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ के विकास के लिए लगातार कार्य किया है। उन्होंने दावा किया है कि केदारनाथ उपचुनाव में बीजेपी को रिकॉर्ड जीत मिलेगी और केदारनाथ की जनता डबल इंजन के कार्यों पर अपनी मुहर लगाएगी। तौर पर देखा
देख रहे हैं किसी प्रकार की कोई चुनौती नहीं है। उत्तराखंड की जनता ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी को अपना अपार जन समर्थन दिया है और केदार घाटी जिसका संपूर्ण विकास सर्वांगीण विकास हमारी डबल इंजन की सरकार के द्वारा किया गया है। आदे नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा केदारनाथ का पुनर्निर्माण करके पूरे विश्व भर में एक नई पहचान देने का जो काम किया गया है, आदे हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो केदार घाटी के संपूर्ण विकास के लिए हर गांव हर मोहल्ले के विकास के लिए लगातार वहां कार्य किया जा रहा है, तो निश्चित रूप से जो केदारनाथ का जो उपचुनाव होगा ये हमारे प्रदेश के लिए ही नहीं पूरे देश में एक रिकॉर्ड जीत भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाली इस चुनाव में। और मुझे उम्मीद है कि केदारनाथ की जनता हमारी डबल इंजन के जो कार्य हैं उस पर अपनी मुहर लगाने वाली। उत्तराखंड पुलिस की ओर से ऑपरेशन स्माइल को फिर से शुरू कर दिया गया है। इसके तहत विभिन्न थाना क्षेत्रों में गुमशुदाओं की तलाश को लेकर ऑपरेशन स्माइल का संचालन किया जाएगा। दो माह तक चलने वाले ऑपरेशन के तहत सभी थाना क्षेत्रों में गुमशुदा बच्चों पुरुषों एवं महिलाओं की तलाश की जाएगी। इसके लिए पुलिस की ओर से विभिन्न विभागों और स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ ही सोशल मीडिया का सहयोग भी लिया जाएगा। पुलिस महानिरीक्षक नीलेश आनंद भरणे ने बताया कि प्रदेश भर में पुलिस की ओर से ऑपरेशन स्माइल शुरू किया गया है। दो महीने तक चलने वाले इस ऑपरेशन के तहत विशेषकर नाबालिग बच्चियों को बरामद करना है। उन्होंने बताया कि 2015 में उत्तराखंड पुलिस की ओर से यह ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इसके तहत अब तक करीब 6000 गुमशुदाओं को परिवार से मिलाया गया है। ये हम 2015 से जो है ऑपरेशन स्माइल को जो है लगातार जो है इसको इम्प्लीमेंट करा रहे। आज से हम दो महीने का पुनः जो है एक बार ऑपरेशन स्माइल को इम्प्लीमेंट करा रहे। इस बार हमारा विशेष फोकस जो है वो मिसिंग गर्ल्स है और माइनर्स है, उनपे हमारा विशेष जो है ये फोकस रहेगा। जो ऐसी नाबालिग लड़कियां हैं जो घर से चली जाती है मिसिंग रहती है और जो अब तक बरामद नहीं हुई है उनके ऊपर हमारा विशेष फोकस रहेगा। 2015 से अब तक उत्तराखंड पुलिस ने जो है ऑपरेशन स्माइल चलाकर 6000 के लगभग जो है वो मिसिंग्स को जो है वो रिकवर किया है। तो एक बड़ा टास्क हमेशा मिसिंग पर्संस का जो है पुलिस के लिए रहता है। तो इसमें जो है हमारी तमाम एएचटीयू की टीमें जो है एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग इसके अलावा डीसीआरबी तो ये सारी हमारी स्पेशल टीमें होती है जो इस कार्य में लगी रहती है। इसके अलावा हमको अन्य विभाग जैसे सोशल वेलफेयर है एनजीओज है इनके माध्यम से सीडब्ल्यूसी है इनका भी हमको हेल्प लगता है। तो ये बड़ा टास्क मिसिंग को रिकवर करना होता है तो इसमें जो है उत्तराखंड पुलिस हमेशा ही जो है एक अच्छा कार्य करती है और जो है एक इसमें अभी ये पुनः जो है दो माह का एक ऑपरेशन। प्रदेश के उपनल कर्मचारियों के मामले में सुप्रीम कोर्ट में प्रदेश सरकार को झटका लगा है। राज्य के 25,000 कर्मचारियों से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की एसएलपी खारिज कर दी है। बता दें कि 2018 में हाईकोर्ट ने उपनल कर्मचारियों के लिए नियमावली बनाने का आदेश दिया था जिसमें राज्य सरकार ने कहा था कि कर्मचारियों के लिए जब तक नियमावली नहीं बनती है समान कार्य के लिए समान मानदेय दिया जाएगा। प्रदेश सरकार हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चली गई थी लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है। इसी को लेकर भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान का कहना है कि भाजपा न्यायालय के इस फैसले का स्वागत करती है। देखिए न्यायालय का जो भी फैसला होता है उसको हर कोई सम्मान करता है और सम्मान करना भी चाहिए और हम भी इसका स्वागत करते हैं और आगे सरकार निश्चित रूप से क्योंकि बेरोजगारों के हितों के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है संकल्पबद्ध है और आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी लगातार जिस प्रकार से उन्होंने अपने इस 3 वर्ष के कार्यकाल में रिकॉर्ड रोजगार देने का सरकारी रोजगार देने का काम किया है। निश्चित रूप से जो बेरोजगार हमारे भाई हैं जो उपनल से जुड़े हुए जो कर्मचारी हैं निश्चित रूप से उनके हित के लिए हमारी सरकार। उत्तराखंड के बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार।